हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 23rd अगस्त 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज राजीव गांधी। और इसमें कुछ और फैक्ट आपने याद रखने हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थडे है आता है 23rd जनवरी को, और इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज पराक्रम दिवस। देन इंदिरा गांधी जी का जो बर्थडे है आता है 19th नवंबर को, और इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ नेशनल इंटीग्रेशन डे। तो ये आपने याद रखना है। रविंद्रनाथ जी टैगोर जी का जो बर्थडे है, एज सच उसके लिए कोई डे पर्टिकुलर डे यहाँ पे नेम नहीं रखा गया है। सेकंड देखते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 20th अगस्त, और इसी दिन सद्भावना दिवस जो है ऑब्जर्व किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज द हाइएस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन पर्टिकुलेट मैटर 2.5 among the world's most populated cities, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट हैव बॉर्डर विद यूक्रेन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बुल्गारिया। करंट अफेयर्स देखते हैं, 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन पुलिस ये कहाँ पे हुई है, अगस्त 21 को शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश में है। देन 200 वीमेन पुलिस ऑफिसर्स जो हैं एंड एम्प्लॉयज जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, इस कॉन्फ्रेंस में। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने, इन कोलेबोरेशन विद हिमाचल पुलिस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉन्फ्रेंस का, कि लीडरशिप पोटेंशियल जो है वीमेन पुलिस ऑफिसर्स की उसको इन्हेंस करना। देन जो भी वीमेन ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस करते हैं उनको डिस्कस करना। ये कॉन्फ्रेंस बायनुअली ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, और पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कोलेबोरेशन विद वेरियस स्टेट्स ये ऑर्गेनाइज करते हैं। सिंस 2002 ये ऑर्गेनाइज की जा रही है, और इस कॉन्फ्रेंस में ये एक प्लेटफॉर्म है प्रोवाइड करती है कॉन्फ्रेंस एक तरह का, जिसमें लेडी पुलिस ऑफिसर्स कॉन्स्टेबल से लेकर DGP रैंक तक की ऑल ओवर द कंट्री इसमें अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करती हैं। देन हिमाचल प्रदेश के DGP का नाम आपने याद रखना है, DGP संजय कुंदू। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू स्पीशीज मिली है बैंड टोड गीको की, कहाँ से, अगस्त्यमलाई हिल से वेस्टर्न घाट्स में। ये स्पीशीज़ का नाम एक वेल नोन मेलकोलॉजिस्ट हैं N.A. अरविंद, उनके नाम से रखा गया है। और ये स्पीशीज़ में एक डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल एंड DNA स्ट्रक्चर देखा गया है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है शेप एंड साइज़ जो है थोड़ा डिफरेंट है, और इवन मॉलिकुलर DNA जो है वो भी थोड़ा इसमें डिफरेंट है। देन ये डिफरेंट है जो बाकी स्पीशीज़ हैं, खासकर क्राइटोडेक्टिलस कोलेगनेंसिस जो स्पीशीज़ है उससे डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ कलर पैटर्न। और ये मिलती जुलती है श्रीलंकन एंडेमिक स्पीशीज़ है एक सी याकुना से, इन ओवरऑल कलरेशन के मामले में। आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि थोड़ा डिफरेंट सा कलर है इसका। देन करंटली अरविंद कीको जो है ये सिर्फ 2 लोकेशंस पे पाई जाती है, मुपंडल एंड थुकाले। कहाँ पे है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, जो कि अगस्त्यमलाई बायोस्फेयर रिजर्व में है, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो ये आपने याद रखना है। देन जो मेलकोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली मेलकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मोलस्क को स्टडी करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। और इसमें बेसिकली वो स्पीशीज़ आ जाती हैं जो विदाउट इन्वर्टिब्रे हैं, विदाउट बैकबोन्स हैं, तो ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। देन अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये कहाँ पे है। बेसिकली सदरन मोस्ट एंड जो है वेस्टर्न घाट्स का, वहाँ पे, और 2 स्टेट्स में ये फैला हुआ है, केरला एंड तमिलनाडु में। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2001 में, और अगस्त्यमाला पीक के ऊपर इसका नाम रखा गया है, जो 1868 मीटर्स अबव सी लेवल एक माउंटेन पीक है तिरुवनंतपुरम रीजन में, केरला में। देन मार्च 2016 को इस बायोस्फीयर को इंक्लूड किया गया वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को के। देन ये कवर करता है पेपारा एंड शंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पार्ट्स ऑफ नैयर सेंचुरी इन केरला एंड कलक्कड़ मंदूतुराई टाइगर रिजर्व्स ऑफ तमिलनाडु। ये होम है रेयर एंडेमिक स्पीशीज़ का, जैसे कि टाइगर हो गए, एशियन एलिफेंट हो गए एंड नीलगिरी ताहड़। देन इसके अलावा कनीकरण जो ट्राइब है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशियंट ट्राइब है, वो भी इस अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, फेज 2 है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का, प्रमोट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द ट्राइबल यूथ एंड टू प्रमोट स्किल इंडिया मिशंस। इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पार्टनरशिप की थी सेवा भारती एंड युवा विकास सोसाइटी के साथ, और इन्होंने मिलकर एक लॉन्च किया है फेज 2 ऑफ ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट, कहाँ पे, रांची, जो कैपिटल है झारखंड की। फर्स्ट फेज जो था इस ट्रेनिंग का, उसमें पार्टिसिपेंट्स जो थे रूरल एंड ट्राइबल एरियाज से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कहाँ के, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड गुजरात।
देन ये स्किल डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशिप जो है ट्राइबल यूथ के लिए, इसमें क्या होगा कि बेसिकली इनको एम्पावर्ड किया जाएगा और इनको ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। देन गोल क्या है इस ट्रेनिंग के पीछे कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना इवन इन रूरल एरियाज, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूरल एंड लोकल इकोनॉमी को यहाँ पे बूस्ट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना, ताकि जो उनको फोर्स माइग्रेशन करनी पड़ती है टाउन्स में सिटीज़ में, वो माइग्रेशन ना करनी पड़े, लोकल अपॉर्चुनिटीज़ ही यहाँ पे जनरेट की जा सकें और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी कंजर्व किया जा सके। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये नॉन प्रॉफिट पब्लिक कॉरपोरेशन है जो इंट्रोड्यूस की गई थी 21 जुलाई 2008 में अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर जो है इसमें 49% है, 51% जो शेयर है प्राइवेट सेक्टर का है, और मेन जो इसमें मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ये बेसिकली क्या करती है इंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेनिंग्स और फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे। वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है ये रिकग्नाइज किया गया है इन ऑनर ऑफ सर रोनाल्ड रोस, जिन्होंने 1897 में आइडेंटिफाई किया था कि क्या कनेक्शन है मॉस्किटोज़ के बीच में और मलेरिया के फैलने के बीच में, और जिसमें ये पाया गया था कि जो फीमेल मॉस्किटोज़ हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं डिजीज़ को स्प्रेड करने में। देन गोल क्या है वर्ल्ड मॉस्किटो डे का, पब्लिक नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ करना, और किस चीज़ की नॉलेज कि ऐसे रीजंस की लोगों की क्यों मलेरिया जो है वो ज़्यादा फैलता है और इसको कैसे रोका जा सकता है, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना। थीम क्या है इस साल की, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज़ बर्डन एंड सेव लाइव्स, और कोई ख़ास एक सिंगल टूल नहीं है अभी तक अवेलेबल मलेरिया से लड़ने के लिए। देन डिजीज़ पढ़ लेते हैं कौन सी डिफरेंट डिजीज़ जो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ और डिफरेंट मॉस्किटो से फैलती हैं। एडीज जो स्पीशीज़ है मॉस्किटो की, इसमें क्या होगा बेसिकली ब्लैक एंड वाइट पैचेज आ जाते हैं बॉडी पे, और डिजीज़ कौन सी होती है जैसे डेंगू हो गया, रिफ्ट वैली फीवर, जीका, येलो फीवर एंड चिकनगुनिया। एनोफिलीज मॉस्किटो जो है इससे क्या होगा पेल और डार्क मार्क्स जो हैं वो विंग्स पे होंगे मॉस्किटो की, एंड ये डिजीज़ जो है इससे मलेरिया, लिम्फेटिक फिलेरियासिस ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस ये हो जाती है। कुलेक्स जो है इसमें ब्राउन स्केल्स होंगे मॉस्किटो की बॉडी पे, और इससे डिजीज़ जो है एलिफेंटियासिस एंड वेस्ट नाइल फीवर हो जाता है। तो आपने याद रखना है एडीज़ जो है मॉस्किटो उस पर ब्लैक एंड वाइट पैचेज होंगे बॉडी पे, एनोफिलीज पे पेल एंड डार्क मार्क्स, कुलेक्स पे जो बॉडी पे ब्राउन स्केल्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं केरला सवारी। केरला ने लॉन्च किया है केरला सवारी, कंट्री की फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है जो ऑन करती है स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें इंश्योर किया जाएगा कि फेयर एंड डिसेंट सर्विसेज जो हैं पैसेंजर्स को दी जाएं, फेयर रिम्यूनरेशन जो है ऑटो टैक्सी वर्कर्स को भी दिया जाए। ऑपरेट कौन करेगा इसको, मोटर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है अंडर द एजिस ऑफ लेबर डिपार्टमेंट ऑफ केरला गवर्नमेंट। देन ये सवारी जो इंश्योर करेगी सेफ ट्रैवल फॉर पब्लिक, एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है इसमें फेयर्स जो डिसाइडेड होंगे, और किसी भी तरह का सर्ज इंक्लूड नहीं होगा। बेसिकली होता क्या है कि जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है टैक्सी सर्विसेज की, तो टैक्सी ऑपरेटर्स जो हैं वो सर्ज यहाँ पे चार्ज करते हैं, जिससे क्या होता है कि सर्विसेज का भाड़ा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए जो है ये सर्विस केरला सवारी लॉन्च की गई है, और इसकी एक और खासियत क्या है कि इसमें सेफ़ एंड रिलायबल ऑनलाइन सर्विस रहेगी, खासकर वीमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि इसमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है। कोई भी ड्राइवर जो स्कीम का पार्ट बनना चाहता है, और उस ड्राइवर को प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो भी दी जाएगी। एक पैनिक बटन जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है ऐप में, कि अगर कोई खतरा लगता है किसी पैसेंजर को, वो पैनिक बटन जो है यहाँ पे प्रेस कर सकता है। देन केरला सवारी ऐप जो है ये अवेलेबल को पब्लिक होगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, बट थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि गूगल जो है इसकी स्क्रूटनी कर रहा है इस ऐप की। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने चेयर किया 23rd मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल, कहाँ पे, भोपाल में, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। देन जोनल काउंसिल जो है इसका आइडिया प्रमोट किया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, एंड 5 जोनल काउंसिल जो है सेटअप की गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन स्टैचूटरी बॉडीज़ हैं क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर बनी है ये। 5 काउंसिल कौन सी हैं, नदरन जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल एंड सदरन जोनल काउंसिल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, चेयरमैन कौन होगा, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन। देन वाइस चेयरमैन कौन होगा, चीफ मिनिस्टर्स होंगे स्टेट के हर एक जोन के, और वाइस चेयरमैन जो हैं वो भी जोन के एक्ट करेंगे, और ये जो वाइस चेयरमैनशिप है ये बेसिकली रोटेट होती रहेगी
चीफ मिनिस्टर्स के बीच में, जोन जोन से जोन के चीफ मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते रहेंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जो है वो नदरन जोनल काउंसिल्स में आते हैं, तो स्टेट्स के यहाँ पे जो वाइस चेयरमैनशिप है वो भी रोटेट होती रहेगी। देन मेंबर्स और कौन होंगे चीफ मिनिस्टर्स के अलावा? अदर मिनिस्टर जो हैं उनको नॉमिनेट करे कौन करेगा? गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट का, एंड टू मेंबर जो होंगे यूनियन टेरिटरीज के वो भी इंक्लूड होंगे। देन एडवाइजर जो होंगे, वन पर्सन नॉमिनेट किया जाएगा नीति आयोग से, जो पहले प्लानिंग कमीशन था। देन चीफ सेक्रेटरीज होंगे और अदर जो है ऑफिसर्स होंगे डेवलपमेंट कमिश्नर्स, इनको स्टेट नॉमिनेट करेगी। और बेसिकली इस जोनल काउंसिल का पर्पस क्या है कि इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना, डिस्कशंस डिबेट करना, जो कॉमन इश्यूज हैं स्टेट्स के उनको यहाँ पे एड्रेस करना। नेक्स्ट देखते हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी स्टेप्स जो ले रही है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल को एम्पावर करने के लिए और इनको और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। एक गैदरिंग हुई थी यहाँ पे, सेमिनार हुआ था इंट्रोस्पेक्शन आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, उसमें इन्होंने ये कहा है। देन ऑब्जेक्टिव क्या था इस सेमिनार का? कि एनालाइज करना वर्किंग ट्राइब्यूनल्स की और सजेस्ट करना रेमेडीज, अगर कोई ऐसी शॉर्टकमिंग्स है उनके लिए रेमेडीज सजेस्ट करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, या कोई भी डिफिकल्टीज अगर लिटिगेंट्स फेस कर रहे हैं तो उसको एड्रेस करना और स्पीडी जस्टिस जो है उसको इंश्योर करना। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल जो है इस्टेब्लिश की गई थी अगस्त 2009 में बाय द आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2007। बेसिकली ट्राइब्यूनल होती क्या है? ट्राइब्यूनल एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस को रिजॉल्व करने के लिए बनी होती है। जैसे एनवायरनमेंट के केसेस के लिए हमारे पास नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ऐसे आर्म्ड फोर्सेस के डिस्प्यूट्स के लिए हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल है। ये जुडिशियल बॉडीज भी हो सकती हैं ट्राइब्यूनल्स, एंड क्वाजी जुडिशियल भी हो सकती हैं। जुडिशियल का मतलब है प्रॉपर जो जुडिशरी के मेंबर्स होंगे, क्वाजी जुडिशियल का मतलब है कि जुडिशियल मेंबर्स के अलावा इसमें और भी एक्सपर्ट्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के पर्सन जो हैं वो भी इसका मेंबर हो सकते हैं। एक तरह की मिलिट्री ट्राइब्यूनल है जिसका मेन पावर क्या है? एडजुडिकेट करना ऐसे केसेस को या कंप्लेंट्स कमीशन से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड, इनरोलमेंट से रिलेटेड और कंडीशंस जो हैं सर्विस की उससे रिलेटेड। प्रिंसिपल बेंच जो है इसका न्यू दिल्ली में है, इसके अलावा 10 रीजनल बेंचेस भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं टोमेटो फीवर, रियल कॉन्टेजियस डिजीज है ये जो ह्यूमंस में पाई गई है। इसका ओरिजन जो है हालांकि अभी तक नहीं पता लगा, हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स जो है उनका ओपिनियन है कि ये आफ्टर इफेक्ट जो होता है डेंगू एंड चिकनगुनिया का उससे ये होती है। टमेटो शेप्ड रेड रैशेस होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, इसीलिए इसका नाम जो है टमेटो फ्लू या टमेटो फीवर रखा गया है। देन ये बेसिकली जो फ्लू है ये इफेक्ट करता है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज। सिम्टम्स क्या है? रैशेस, डायरिया, नोजिया, डिहाइड्रेशन, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इन सर्टन केसेज में डिसकलरेशन जो है हैंड्स एंड नीज की वो भी देखी गई है। ट्रीटमेंट क्या है? सेल्फ लिमिटिंग वन है, इट मीन्स कोई स्पेसिफिक ड्रग तो नहीं बनी है इसकी, बट सिम्टम्स को रिलीव किया जाता है इसमें, जो नॉर्मल ड्रग्स आती हैं डेंगी एंड चिकनगुनिया की उन्हीं ड्रग से सिम्टम्स को रिलीव किया जाता है। देन सिम्टम्स जो अपने आप वो चले जाते हैं कुछ टाइम बाद विद मेडिकल सपोर्ट। देन ये लास्ट सेशन के MCQs हैं, इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और इस सेशन की PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।